सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रूटीन से अच्छे पशुओं की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। काफ़ी बार पशु बिकने के बाद वीडियो पशुपालकों तक पहुंचती है तो एक शिकायत रहती है कि वीडियो आज ही आई थी और आप बोल रहे हो कि पशु बिक चुका है। तो आज की वीडियो हमारे चैनल पे पहले भी भाई की दो तीन वीडियोज़ आ चुकी हैं, संदीप भाई के यहाँ से लेके आ रहे हैं, गाँव ढाकला जिला झज्जर से, मेरे अपने ज़िले से। अब की बार झज्जर ज़िले के जो पशु हैं काफ़ी अच्छा जो दूध का रिकॉर्ड कर पूरे ज़िले का ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश का जो नाम अच्छे और दुधारू पशुओं में जो रोशन करने का काम किया है। अब की बार झज्जर में कम से कम 26-27 किलो दूध तक की भैंसें लाइव मिल्किंग करवा चुकी हैं, HLDB में रिकॉर्डिंग करवा चुकी हैं। तो आज की वीडियो संदीप भाई के पास से लेके आ रहे हैं, भाई से जानेंगे कि जो टिकोण से ब्यात की है और इसकी कम्प्लीट डिटेल। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि संपूर्ण जानकारी जोटी के बारे में मिले। नमस्कार संदीप भाई। नमस्कार भाई, भाई साहब कौन से ब्यात की है जोटी? तीसरी बार बच्चा दिया। अपने घर की है? हाँ, घर की है भाई। कितना दूध निकाला था पहली बार में? पहली बार में इसने निकाला था लगभग 18-19 लीटर भाई। अच्छा, दूसरी बार में भाई? दूसरी बार 22-23 लीटर के करीब। और अब की बार कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? 3 दिन हुए भाई साहब। 3 दिन। साथ में बच्चा क्या है? मेल काफ। और मौके पे कितना दूध तैयार है भाई साहब? अभी फिलहाल 13-14 लीटर के करीब होगा। 13-14 लीटर दूध तैयार। अपने जो जिस भैंस की है उस भैंस ने कितना दूध निकाल रखा है जो इसकी माँ है? इसकी माँ ने 20 लीटर निकाला था भाई साहब। अच्छा, वो भी आप ही के पास है? नहीं, अभी तो नहीं है भाई साहब, सेल कर दी थी। सेल कर दी। तो एक बार संपूर्ण इस जोटी को कवर करके दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की है क्योंकि झज्जर रोहतक और तकरीबन रोहतक से लगा हुआ इलाका ही है, 20-30-50 किलोमीटर की दूरी के अंदर। यहाँ पशुओं में हाइट लेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन क्वालिटी वाइज बात करें तो आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे दूध वाले जो पशु के करेक्टर हैं वो जोटी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बॉडी में जो अच्छे जो मुर्रा होती है जो सीनरी वगैरह में देखने को मिलती है उस टाइप का जोटी का। चलाओ भाई साहब, बिल्कुल छोटे सींग की लंबाई ऊंचाई काफ़ी अच्छी। और बात करें अडर क्वालिटी की तो HF गाय भी इस जोटी के सामने फैल है, काफ़ी भारी भरकम खुला अडर और 22 किलो दूध दूसरे ब्यात में भाई के घर निकाला है। और स्वभाव वाइज भी काफ़ी शांत है, थोड़ी कैमरे को देख के डर रही है, बाकी ये देखिए फेस वैल्यू जोटी की काफ़ी अच्छी है। अब भी पहले ब्यात की जोटियाँ होती हैं उनके जो फेस की बनावट होती है उतनी तो अभी जोटी की है। अडर क्वालिटी काफ़ी भारी भरकम, बिल्कुल मोटिया आकार के थन। और किसी दूध वाले पशु में अगर मेन चीज़ देखी जाती है तो वो पुट्ठे की चौड़ाई या अडर क्वालिटी, ये दो चीज़ें होती हैं। तो पीछे से इतनी चौड़ी है कि शायद जो बड़े ब्रीडर हैं उनके पास भी काफ़ी भैंसे हैं, वीडियोज़ बहुत लेके आते रहते हैं, लेकिन आपको इस शरीर के पशु कहीं कहीं एक साधारण किसान के घर अगर देखने को मिले तो मैं तो ये मानता हूं कि इन पशुपालकों की जो मेहनत है जो हम कैमरे के सामने रूटीन से लेके आ रहे हैं तो जो साधारण और किसान हैं देखने वाले भाई उनका भी हौसला अफजाई होता है। साथ में मेल काफ आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने, टेल M29 का है, M29 की ब्लड लाइन से है, भाई ने सीमन रखवाया था भाई। ठीक ठीक। तो अब की बार संदीप भाई कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो? 24-25 लीटर तो निकाल देना चाहिए भाई। अच्छा, 22 लीटर दूध पे अगाड़ी कितनी निकाल देती है भाई? लगभग 3 से साढ़े तीन किलो की अगाड़ी। तो बिल्कुल आगे से जो हिक होता है जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जितना सटा हुआ होगा शरीर से उतना दूध वाला पशु मिलेगा। बाकी जो देखने वाले भाई हैं वो खुद आंकलन कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे पशु के बारे में ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं क्योंकि पशु अच्छा हो तो उसकी सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं। काफ़ी यूट्यूबर भाई सोचते हैं कि हम जहाँ वीडियो बनाते हैं वही पशु बिकता है, तो देखिए इस तरह का पशुधन साधारण किसान के घर पे
हम मानते हैं कि ये आज जो चैनल की ग्रोथ है वो इन पशुपालकों की देन है और अच्छे पशु रूटीन से दिखाने का प्रयास। संदीप भाई, अब की बार ये बिक्री के लिए है? ठीक पैसे लगे तो भाई विचार कर लेंगे। अच्छा, अच्छी पेमेंट लगी तो ही सेल करोगे। बाकी आपके पास जोटी बंधी हुई है, आपको बेचनी है, इस तरह के पशु एक आध बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज़िले में काफ़ी भैंसे हैं जिन्होंने 26-26, 27-27 किलो दूध तोला है, लेकिन एक शारीरिक बनावट इस टाइप की किसी भी जोटी की देखने में सामने नहीं आई है। चाहे कोई भाई इस चीज़ से नाराज़ भी हो, क्योंकि दूध अकेला मायने नहीं रखता। जब ब्यूटी कंपटीशन की बात आती है, अभी काफ़ी भाई वीडियो में देख रहे होंगे कि अडर है वो थोड़ा हिल रहा है, लेकिन दूध के ऊपर जब आएगी जोटी उस टाइम पे इतना नहीं हिलेगा, क्योंकि अभी ताज़ी सुई हुई है, ताज़ी 3 दिन की कोई भी अगर पशु है वो उतनी अडर को टाइट नहीं करता, क्योंकि लोग गबन भैंसों की वीडियो बनवाना पसंद करते हैं 25-26 किलो दूध और बाद में यूट्यूब वाले को बोलते हैं। तो भाई ने घर की थी जोटी और पहले भी वीडियो बनवा सकते थे, लेकिन बच्चा देने के बाद वीडियो में जोटी को दिखा रहे हैं ताकि किसी तरह का ये न लगे कि दूध रोक रखा है या और कुछ। सुबह सुबह के टाइम तकरीबन 12 बजे 1 बजे के आसपास ये वीडियो हम कवर कर रहे हैं। तो संदीप भाई, अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9 8 9 8 1 2 6 1 2 6 6 2 4 1 4 1। रेगुलर भाई का नंबर है, वो स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में वीडियोस लेके आ रहे हैं और वीडियो कम आने का कारण भी बताना चाहेंगे। किसान आंदोलन के चलते वीडियोस काफ़ी कम आ पा रही हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वही अच्छा पशुधन कैमरे के सामने लेके आते हैं। और इस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये, सभी जो किसान हैं वो आंदोलन में काफ़ी जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ जाने के कारण पशु काफ़ी कम दिखा पा रहे हैं। बाकी मेहनत कर रहे हैं, रूटीन से पशु दिखाने का जो प्रयास है उसमें आज की वीडियो झज्जर ज़िले से हम लेके आ रहे हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।